नमस्ते, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल शो पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज, जिसमें हम दिनभर की जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। CAA का विरोध और समर्थन देश में अपने अपने तरीके से जारी है। विपक्ष ने भी विरोध का झंडा उठा रखा है, लगातार हमलावर है, मगर अब विपक्षी दलों के बीच दरार की खबर आई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 13 जनवरी को दिल्ली में एक विपक्षी दलों की बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा में कहा कि कांग्रेस और वाम दलों ने भारत बंद के दौरान राज्य में उपद्रव मचाया, इसके विरोध में हम कांग्रेस की तरफ से आयोजित बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। माने विपक्ष में सब ठीक नहीं है, ना लोकसभा चुनाव के वक्त एकता दिखी जब महागठबंधन की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ना अब। अगली खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी खास तौर पर एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक ट्वीट कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने 5 साल के सरकार में जो भी देने का क्लेम कर सकते हैं करें, उसका मिनिमम 5 गुना देगी बीजेपी सरकार में आने पर। फरवरी से ही आप सीधे ये बताएं कि दिल्ली की जनता को क्या दिया 5 सालों में टोटल फायदा प्रति परिवार। मनोज तिवारी के ट्वीट पर आपका जवाब भी आ गया है। मोर्चा संभाला खुद CM अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि हरियाणा यूपी में आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं से प्रति परिवार कितने रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं आप बता दें। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए वे चुटकी ली। ट्वीट में दुष्यंत चौटाला अपने कार्यालय में बिजली के बगैर काम करते दिख रहे हैं। इस पर आप नेता संजय सिंह ने तिवारी से पूछा कि दिल्ली में 1000 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने से पहले अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों को बिजली दें। सिंह ने ट्वीट किया, भाई मनोज तिवारी जी, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री को बिना बिजली के काम करना पड़ता है, दिल्ली में आप 1000 यूनिट फ्री देने की फेंक रहे हैं, कम से कम अपने राज्यों में तो बिजली देते हैं। भाजपाइयों, फ्री का सपना मत देखो, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, अब तो जनता ही तय करेगी किससे क्या हुआ और किससे क्या हो पाएगा। दुष्यंत चौटाला का जिक्र आ ही गया है तो उनसे जुड़ी एक और खबर बता देते हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी JDU के बाद दुष्यंत की भी पार्टी जननायक जनता पार्टी JJP दिल्ली में काफी एक्टिव नजर आ रही है, जिसने बीजेपी के लिए डबल टेंशन पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने या कितनी सीटों पर लड़ने के बारे में फैसला JJP 11 जनवरी को लेगी। 12 जनवरी को दुष्यंत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों की पहली सभा भी करेंगे। अब बीजेपी इन्हें मना पाती है या नहीं, ये देखने वाला होगा। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि CAA और NRC के खिलाफ जनता के गुस्से के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी असम यात्रा रद्द करनी पड़ी है। येचुरी ने ट्वीट कर कहा, CAA, NRC और NPR के खिलाफ सड़कों पर जनता का गुस्सा इतना ज्यादा और इस सीमा तक उपजा है कि मोदी को 2 बार असम दौरा रद्द करना पड़ा। माकपा महासचिव ने पूछा, इससे पहले जनता के गुस्से के कारण किसी राज्य का दौरा नहीं कर पाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, खासकर वह राज्य जो उनकी ही अपनी ही पार्टी द्वारा शासित हों। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को असम में खेलो इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 10 जनवरी को जाना था, लेकिन यात्रा स्थगित कर दी गई, कारण प्रधानमंत्री की व्यस्तता को बताया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। बोले, कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के विचार को लेकर चलती है, उसे लेकर ही आगे बढ़ना होगा। हमें कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों को खोजना होगा जिनकी आत्मा में संघ की विचारधारा प्रवेश कर गई है। लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कहीं महाराजा ज्योतिराजित सिंधिया पर तो नहीं निशाना साध रहे, जिन्होंने धारा 370 को खत्म किए जाने का समर्थन किया था। चलिए, इन राजा महाराजा के तीरों के बाद अब बात MP के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कमलनाथ सरकार द्वारा चलाई जा रही माफिया विरोधी मुहिम पर निशाना साधा। कहा, अन्याय की अति हो गई है, यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे कार्यकर्ताओं और आम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना पुलिस बंद कर दे, नहीं तो प्रशासन के खिलाफ जंगी आंदोलन किया जाएगा। मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे विधानसभा के लोगों को प्रशासन ने गलत तरीके से परेशान किया, तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए शिवराज की लाश पर से गुजर कर जाना होगा। कुछ दिनों पहले ऐसे ही मामलों के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस को धमकाया था कि संघ के पदाधिकारी अगर इंदौर में नहीं होते तो मैं शहर में आग लगा देता। खैर, अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां के मंत्री नवाब मलिक ने जस्टिस लोया केस को फिर से खुलवाने की बात कही है। कहा कि अगर पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिल जाए तो सरकार न्यायाधीश BH लोया मामले को पुनः खोलने पर विचार करेगी। अंतिम खबर बंगाल से, पश्चिम बंगाल, जहां विश्व भारती यूनिवर्सिटी में राज्यसभा के BJP सांसद स्वपन दास गुप्ता पहुंचे थे। यहां के लिपिका ऑडिटोरियम में CAA के पक्ष में उनका लेक्चर था।
पर जैसे ही सांसद कैंपस पहुंचे, छात्र उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। एसएफआई के छात्रों की भीड़ से बचने के लिए स्वपन दास गुप्ता एक कमरे में बंद कर दिए गए, उनको बंद होना पड़ा। स्वपन ने ट्वीट किया, सीएए की एक शांतिपूर्ण बैठक पर भीड़ के हमले और धमकाने वाले छात्रों के बीच कैसा लगता है, इस समय यही हो रहा है। मैं विश्व भारती में एक बैठक को संबोधित कर रहा हूँ, एक कमरे में बंद हूँ और बाहर भीड़ जमा है। मैं विश्व भारती में नागरिकता संशोधन कानून की भाषण श्रृंखला के तहत बोलने आया था, यह किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। माने एक नेता किसी मुद्दे पर किसी कॉलेज में बोलने पहुंचता है और उसे कमरे में बंद होना पड़ जाता है, लोग उसे बोलने से रोक देते हैं। सवाल है कि क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? क्या इस तरह के विरोध को आप सही मानते हैं? क्यों इसे गुंडागर्दी ना कहा जाए? विरोध करिए पर किसी को डरा के नहीं, भीड़ बन के धमका के नहीं। सवाल ममता बनर्जी पर खड़े होते हैं, उनकी पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि वो क्या कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। आज के पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज बस इतना ही। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।